अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं कदर रियाज। मैं हूं सफदर अली। और मैं हूं रिमशाद शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राणा शमीम के नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलों से मुतालिक इंकशाफात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले का नोटिस ले लिया। साबिक जज कल जाती हैसियत में तलब। अदालत ने अखबार के सहाफी और एडिटर को भी कल तलब कर लिया। गुज़श्ता रोज़ साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राणा शमीम ने इंकशाफ किया था कि साकिब निसार ने हाई कोर्ट के जज को हुक्म दिया था कि 2018 के आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहा न किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस ने तौसी मांगी थी जो नहीं दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का जस्टिस राणा शमीम के नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केस से मुतालिक इल्जामात पर रद्द अमल। साकिब निसार ने कहा, मेरे मुतालिक रिपोर्ट होने वाली खबर हकायक के मुनाफी है। राणा शमीम ने मुझसे एक्सटेंशन ना देने का शिकवा भी किया था। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, साकिब निसार कौन होते हैं मुझे तौसी देने वाले? साकिब निसार को तौसी देने का इख्तियार नहीं था, अपनी बातों पे कायम हूँ। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने की पसपर्दा साजिश पे नकाब हुई। शहबाज शरीफ का साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुतालिक खबर पर रद्दअमल। अपोजिशन लीडर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, अल्लाह का सच्चाई मुनकशिफ करने का अपना तरीका है। खबर अवामी अदालत में दोनों की बेगुनाही का एक और सबूत है। सुप्रीम कोर्ट में अकलियतों के हुकूक से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत। अदालत ने मतरूका वक्फ इमलाक की गैर कानूनी फरोख का नोटिस ले लिया। तलब करने पर DGFIA अदालत पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत की मतरूका जायदादें कैसे फरोख्त की जा सकती हैं? मतरूका इमलाक को फरोख्त करना कानून की खिलाफ वर्जी है। मामला कल समाअत के लिए मुकर्रर। DGFIA और चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक भी तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरती इजलास। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतल्लिक हिकमत अमली पर गौर किया गया। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी की तजावीज पर भी तबादला ख्याल। महंगाई से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। कराची की कोऑपरेटिव मार्केट में केमिकल डालकर आग लगाई गई। ताजिरों का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ताजिरों का कहना था, 10 मिनट में पूरी मार्केट कैसे जल गई? आग में केमिकल डाला गया जिसने पूरी मार्केट को पलक झपकते ही अपनी लपेट में ले लिया। 300 के करीब दुकानें जल गईं। 5 से 10 अरब रुपए का नुकसान हो गया। कोई पूछने नहीं आया। PDM का वर्चुअल सरबराही इजलास आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान कराची से इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में PDM के आइंदा के एहतजाज और मुजाहिरों के शेड्यूल पर हिकमत अमली तय होगी। पार्लियामेंट में मुमकिन पेश होने वाले बिल्स, नैब ऑर्डिनेंस और इलेक्शन इस्लाहात से मुतालिक भी जायजा लिया जाएगा। PDM जलसों का शौक पूरा कर ले, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आला पंजाब का दावा। उस्मान बुज़दार का मुजफ्फरगढ़ के अराकीन असेंबली और पार्टी ओहदेदारान से मुलाकात में कहना था कि अपोजिशन जमातों ने हर मौके पर तरक्की के सफर को रोकने की कोशिश की। मुल्क की तरक्की के सफर में रखना डालने वालों को अवाम बुरी तरह मुस्तरद कर चुके हैं। अब हम अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, कुछ लोग नवाज शरीफ को मजलूम साबित कराने की मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर इत्तला'आत अपने ट्विटर बयान में कहते हैं, बेवकूफाना कहानियों के बजाय नवाज शरीफ एवनफील्ड अपार्टमेंट से मुतालिक जवाब दें। ये बताएं, मरियम नवाज की मिल्कियत में दिए गए अपार्टमेंट्स के पैसे कहां से आए? अरबों की जायदाद सामने आ चुकी, इसका जवाब दिया जाए। डॉलर की ऊंची परवाज थमने लगी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक में डॉलर 1.55 रुपया सस्ता हो गया। अमरीकी करेंसी 174.20 रुपए पर ट्रेड कर रही है।
पंजाब हुकूमत ने स्मोक को आफत करार दे दिया। लाहौर आज भी आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 तक पहुंच गया। हुकूमत ने एंटी स्मोक स्क्वाड कायम कर दिया। फजाई आलूदगी मापने वाले आलमी इदारे के मुताबिक पंजाब के दीगर शहर भी तारीखी बदतरीन फजाई आलूदगी का शिकार हैं। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क और ग्लासेस के इस्तेमाल की सख्ती से हिदायत। डेंगू के वार लगातार, पंजाब में एक और शहरी दम तोड़ गया। सूबे भर में अमवात की तादाद 93 हो गई। मजीद 103 अफराद डेंगू से मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में 108 और इस्लामाबाद में मजीद 12 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। कराची में भी एक दिन में मजीद 55 अफराद बीमार हुए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 240 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 1% से कम रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में खसरा और रुबेला की वैक्सीनेशन मुहिम शुरू। वज़ीर आला सिंध ने कराची में बच्चों को वैक्सीनेशन लगाकर मुहिम का बाकायदा आगाज किया। खसरा और रुबेला की वैक्सीन 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को लगेगी। 27 नवंबर तक बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन मुअत्तल रहेगी। लाहौर में भी टारगेट किलिंग के वाकयात बढ़ने लगे। शालामार लिंक रोड पर दामाद की फायरिंग, सुसर समेत 2 सालों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक शाहजेब की बीवी नाराज होकर महके गई तो मुलजिम ने ससुरालियों के घर पर फायरिंग कर दी। 50 साला ससुर हामिद अली, 2 बेटे फरुख अली और शाहरुख मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने शवाहिद जमा करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। लाहौर के इलाके बदामी बाग में उस्ताद का वहशियाना तशद्दुद। 14 साल तालिब इल्म जां बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक सबक याद ना करने पर उस्ताद ने हमजा को मुर्गा बनाए रखा। तबीयत खराब होने के बायस हमजा 14 नवंबर की शाम दम तोड़ गया। मदरसा इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खून सफेद हो गया। जंग में रिश्ते के तनाजे पर बेटे ने कुल्हाड़ियों के वार से वालदेन और बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पसंद की शादी करना चाहता था, जबकि वालदेन शदीद मुखालिफत करते थे। मुलजिम जाए वकुआ से फरार, पुलिस के छापे जारी। खेल के मैदान से क्या खबरें हैं जानेंगे कदर रियाज से। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरा है बांग्लादेश। शाहीनों ने ढाका में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट के कप्तान, शाहीन अफरीदी भी इन। 12 रुकनी स्क्वाड का 2 पाकिस्तानी, 3 ऑस्ट्रेलियन, 2 इंग्लिश, 2 श्रीलंकन, 2 जनूबी अफ्रीकी और 1 कीवी खिलाड़ी हिस्सा। कोई भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।